भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। तो लेडीज जिनसी आवाजों में प्रचार की सुमधुर कैस्टो की रिकॉर्डिंग के लिए संपर्क करें अमित खैरवारी अनाउंसर। कॉन्टेक्ट नंबर याद रखें 9935-98-1134 अमित खैरवारी और साथ में सुमधुर आवाज बबीता चंचल। अमित खैरवारी 7985-06-03-77 अनाउंसर अमित खैरवारी और बबीता चंचल। राजधानी दिल्ली के मुकुंदपुर रेड लाइट पर दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने काटे लोगों के चालान। कोविड-19 के नियमों का पालन न करने वाले लोगों के काटे गए चालान। बिना मास्क के गाड़ियों को रोककर ट्रैफिक पुलिस ने काटे चालान। लगातार दिल्ली में बढ़ रही कोरोना वायरस की संख्या, उसी को देखते हुए प्रशासनिक तौर पर भी की जा रही है सख्ती। कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन ने भी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। जगह जगह पर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जो लोग कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे। खासतौर पर बिना मास्क लगाए हुए लोगों के चालान का सिलसिला एक बार फिर से तेजी पहुंच चुका है। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में भी दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे गए। आप देखिए किस तरीके से यहां पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाते हुए यदि कोई नहीं मास्क लगाया तो लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। जहांगीरपुरी थाना SHO राजेश कुमार आज अपना कमान संभालते हुए इनके साथ मुकुंदपुर रेड लाइट में फ्लाईओवर के नीचे चालान काटते वक्त अपनी टीम के साथ में नजर आए। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल्ली पुलिस से बहस करते हुए भी नजर आए। एक तो बिना मास्क चल रहे थे, उसके साथ भी चालान नहीं कटवा रहे थे, आनाकानी कर रहे थे, बदतमीजी करते हुए नजर आए। उसके साथ SHO जहांगीरपुरी और उनकी टीम को समझाते हुए नजर आई। जो होता है तुम लोग बंदों का मन कर भाई।